स्टैट्यू कॉस्ट। मैं तो इसके लिए भी काफी मतलब थोड़ा सा डरा हुआ था इसके लिए भी। बहुत बड़ा मैसिव अनाउंसमेंट है, हिंट दे दूं। मर्च कब आएगा कैरी? लगेगा सिर्फ एक यस। By the way, tomorrow is a very, very, very big thing for me. कल एक बहुत बड़ा शूट है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला वो चीज़। सो यस, कल का भी एक ब्लॉग रहेगा। टैटू कॉस्ट 25 to 30 के समथिंग अराउंड दैट। हिंदे दूँ, हिंदे दूँ, हिंट हिंट चाहिए। ग्रीन, बस और कुछ नहीं बोलूँगा। इस आई थिंक म्यूजिक, नो नो म्यूजिक, नथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक। बस मैंने दे दिया है हिंट, दैट इज ग्रीन, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। बहुत बड़ा मैसिव अनाउंसमेंट है, फकिंग मैसिव अनाउंसमेंट। ये बाय द वे इज नॉट मामाअर्थ, समथिंग रियली बिग। मामाअर्थ नहीं है भैया, मामाअर्थ नहीं है, बस ग्रीन है, सिर्फ ग्रीन है। अब ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ग्रीन कुछ भी हो सकता है। तुम देखो यार, अब पता नहीं क्यों चीज़ें बस टाइम लेती हैं। ये वरदान को हमें 4 महीने लग गए बनाने में, जब से प्लानिंग हुई। वरदान तब लिखा से कब था वैसे? दिसंबर, दिसंबर कह रहा हूँ, दिसंबर नहीं, नवंबर। कब लिखा था बहन? चुप, लास्ट ईयर का ना? हाँ हाँ, लास्ट ईयर ही लिखा था, नवंबर दिसंबर में लिखा था। बढ़िया, उसके पीछे लिखने का पीछे मतलब कोई फीलिंग थी या बस ऐसे लिख दिया था? नहीं नहीं, हम पहले हमने सोचा था कि बनाना क्या है। फर्स्ट वी वांट, पहले हमने वो बनाया ना, सेट किया कि हमें किस टॉपिक क्या उठाना है, किस चीज पे होना चाहिए, व्हाट इज दैट वी वांट टू शो। फिर मतलब वो तो लिरिक्स तो वैसी एक अलग कॉन्सेप्ट था एक्चुअली, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था जो अभी है, ये नहीं था, अलग था। फिर हमने उसको स्विच किया क्योंकि वो इतना काम कर नहीं रहा था और वो इतना सही लग भी नहीं रहा था। समझा। और प्लस मैं तो इसके लिए भी काफी मतलब थोड़ा सा डरा हुआ था इसके लिए भी, क्योंकि बहुत ऐसे तुम अपनी लाइफ दिखा रहे हो ना, तो थोड़ा इट्स वेरी वेरी वियर्ड टू जज कोई भी चीज की। जैसे इतना जितना लोग कनेक्ट कर रहे हैं उससे, जितना लोगों को इमोशंस आ रहे हैं, मेरे को नहीं आएंगे उतने इमोशंस। मेरे लिए वो एक मतलब काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट ही है, बट इतने इमोशंस आ नहीं रहे मेरे को, बिकॉज इट्स वियर्ड। इट्स गाने का तो नहीं पता, बट जो भी मैं लिखता हूँ ना, मेरे लिए जो लिखा हुआ चीज है वो इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी उसका वो सब तो उतना नहीं आ पाता। अरे नहीं, ऑब्वियसली तुम्हारे अब भाई लिरिक्स मैंने लिखे तो मेरे लिए तो मैं तो यही मैं तो उनपे ध्यान दूंगा ना, कि मैं तो उस पर ध्यान दूंगा ना कि क्या कैसे सही लग रहा है। मैं वही सबसे उसी चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, ऑब्वियसली बात है। बट पहले कॉन्सेप्ट यही पहले हमारा डिसाइड, कुछ और कॉन्सेप्ट डिसाइड हुआ था हमारा, बट फिर उसके बाद चेंज हुआ इसमें। जो ही नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है, कल का हाँ वही जो अच्छा है, बट अच्छे होने में टाइम लगता है ना। मर्च कब आएगा कैरी? लगेगा सिर्फ एक यस, एक ही जन्म। यार मैं कह रहा हूं ना, मैं आज भी देखे मैंने, बल्कि आज भी देखे मैंने मर्च के डिजाइन, मेरे को इतने कुछ खास लगे नहीं। तो जब तक मेरे को लगता नहीं है ना ऐसे कि हाँ बहन चोद, जब तक मेरे अंदर से वो चीज ना आए कि मैं इसको लूंगा, तो मैं कैसे बोल दूं तुम्हें, मतलब मैं प्रेजेंट भी कैसे कर दूं तुम्हारे साथ।